हॉस्पिटल्स ड्रॉइंग्स प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस प्रेजेंटेशन में, इस वेबिनार में आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज जो हमारा ये वेबिनार है, ये हमारे क्लाउड किचन मॉडल बेस्ड मॉडल के ऊपर हम लोग यहाँ पे आज कर रहे हैं। तो ये क्लाउड किचन मॉडल की जब बात आती है तो हम इसको तीन अलग अलग मॉडल्स में जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं तीनों मॉडल आपके सामने आज एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लाउड किचन का मतलब क्या होता है। हम ये भी जानेंगे कि लॉस्ट फूड रेस्टोरेंट्स के बारे में भी हम आपको कुछ चीजें बताएंगे। तो ये सारी चीजों को जानने के लिए अगले 25 से 30 मिनट्स में आपके लूंगा। सो बने रहिए और जानिए कि आप इस देश के सर्वश्रेष्ठ क्लाउड किचन फ्रेंचाइजीज में कैसे जुड़ सकते हैं और आप लाखों का मुनाफा हर महीना कैसे कमा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लॉस्ट फूड रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड कहाँ की कंपनी है, क्या काम कर रही है, किस तरीके से अभी तक सारी चीजें चल रही है। तो लॉस्ट फूड रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये आज पुणे बेस्ड कंपनी है। इट इज हेडक्वार्टर्ड इन द सिटी ऑफ पुणे और पुणे के अंदर सारी चीजें हमारी पिछले 10 सालों से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, हमारे सारे आउटलेट्स मैनेज कर रहे हैं और पूरे देश भर में हमारी सारी आउटलेट्स आज है। ये आउटलेट्स लगभग 8 स्टेट्स में और 28 शहरों से भी ज्यादा सिटीज में आज हम लोग काम कर रहे हैं। ये सारे मिला के आज कंपनी के लगभग 150 आउटलेट्स रनिंग है और आने वाले इस साल में 300 से ज्यादा आउटलेट्स करने का हमारा उद्देश्य है। सो ये सारे जो आउटलेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें से मेजोरिटी आउटलेट्स ये फ्रेंचाइज मॉडल में है, यानी कि ये फ्रेंचाइज किए हुए आउटलेट्स है। बहुत से जो बाकी के आउटलेट्स है ये हमारे कंपनी ओन भी है। तो आज जानेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से आप इसका जो है वो फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। तो लॉस्ट फूड रेस्टोरेंट्स की शुरुआत 10 साल पहले लगभग हुई है और आज सारे देश में हमारा जो है प्रेजेंस है। यही नहीं, मैं बड़ी खुशी और गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि नॉर्थ अमेरिका में भी हमारे ब्रांड का काम शुरू हो चुका है। तो 3 आउटलेट्स हम लोग बहुत ही जल्द यूएस और कनाडा में जो है वो ओपन करने जा रहे हैं। तो ये तो हो गया कंपनी के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट हम अभी बात करते हैं कि क्लाउड किचन एग्जैक्टली क्या होता है। जिस क्लाउड किचन की फ्रेंचाइजी के लिए आप लोग यहाँ पे आए हैं वो एग्जैक्टली क्या है, क्या होता है एक क्लाउड किचन, क्या होता है उस क्लाउड किचन में से बिजनेस करना, क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्लाउड किचन क्या है। सो जैसा कि आप में से कई लोग वाकिफ होंगे, जानते होंगे, क्लाउड किचन का अर्थ ये होता है कि एक तरीके का ऐसा किचन सेट किया जाता है जिसका फिजिकल प्रेजेंस कहाँ पे है। ये शायद बहुत से कस्टमर्स को, बहुत से लोगों को, आपके एंड कस्टमर्स को पता नहीं होता। और मेजॉरिटी जो बिजनेस आपका आता है ये आपके अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है। वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत से हो सकते हैं, स्विगी, जोमैटो, मैजिक पिन, डनजो, शैडोफ्लेक्स, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके तहत आपको अलग अलग ऑर्डर्स मिलती है, आपकी ऑर्डर्स अलग अलग लोकेशन पे डायरेक्ट एंड कस्टमर को डिलीवर होती है। क्लाउड किचन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको बहुत ही अच्छे मार्केट लोकेशन पे बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एरियाज में होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक रेगुलर लोकेशन पे है, एक रेगुलर लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं, ऐसे लोकेशन पे बहुत ही आसानी से आप जो है वो क्लाउड किचन की शुरुआत कर सकते हैं वहां, क्योंकि रेसिडेंशियल एरियाज में भी अगर आपका प्रॉपर्टी है तो रेसिडेंशियल एरियाज में भी आप, क्योंकि आपकी ज्यादातर ऑर्डर जो जानी है वो रेसिडेंशियल एरियाज में ही जाना है, ज्यादातर आपके जो कस्टमर्स रहेंगे, एंड कस्टमर रहेंगे, वो रेसिडेंशियल एरिया से ही आपको ऑर्डर करनी है। तो आपका एक ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो रेसिडेंशियल एरियाज में या फिर कम कमर्शियल एरियाज में होगा और ऐसे एरिया में आपके सारे जो आउटलेट्स हैं वो रह सकते हैं और उस किचन से आपकी डिलीवरीज जो है बाकी जगह पे की जाएगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस लोकेशन, इस रेस्टोरेंट के लोकेशन के बारे में कस्टमर को नहीं पता होता। कस्टमर सिर्फ इतना जानता है कि मैं ये एक्स वाई जेड रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहा हूँ और उस रेस्टोरेंट से जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर सीधा आपके घर पे डिलीवर होता है। इस तरीके से किचन सेटअप को, नॉर्मली हम रेस्टोरेंट सेटअप को हम लोग जो कहते हैं वो क्लाउड किचन कहते हैं। तो ये जो क्लाउड किचन है, ये क्लाउड किचन अलग अलग मॉडल्स में हो सकते हैं। जैसे कि हमारे कंपनी 3 मॉडल्स को इस समय पर प्रमोट कर रही है। एक, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, क्लाउड किचन जो फुल्ली डेडिकेटेडली सिर्फ एक क्लाउड किचन है। ओके, तो जब हम कहते हैं कि सिर्फ एक क्लाउड किचन होगा, उसका ये मतलब होगा कि वहां से ऑनलाइन डिलीवरीज के अलावा और कोई भी बिजनेस नहीं आएगा, उसे हम कहते हैं क्लाउड किचन। दूसरा हमारा जो मॉडल होता है, वो होता है हमारा क्लाउड किचन प्लस कियोस्क।
जब क्लाउड किचन प्लस कियोस्क की हम लोग बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर हम थोड़े से सेमी मार्केट एरियाज में हैं, अगेन हम बहुत ज्यादा मार्केट प्लेसेस में नहीं है, हम बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज में नहीं है जहाँ पे रेंट बहुत ज्यादा है, ऐसे लोकेशन पे हम अभी भी नहीं है, हम कहाँ पे होंगे, एक सेमी मार्केट एरियाज में होंगे, ऐसे सेमी मार्केट एरियाज में जहाँ पे क्राउड भी हो, लोगों का वॉक इन्स भी हो और साथ में आपका रेसिडेंशियल एरियाज भी हो, ऐसे लोकेशन पे आपका एक किचन खुलेगा। अगर आपके स्टोर के सामने एक 15-20 फीट की जगह होगी, एक्स्ट्रा जगह होगी, तो उस 15-20 फीट की जगह पे आप जो है वो तो बहुत ही आसानी से आपका किचन के साथ साथ आपका एक फास्ट एक आपका स्ट्रीट फूड जॉइंट भी जो है वो खोल सकते हैं। यानी कि इस मॉडल को हम लोग जो कहते हैं वो क्लाउड किचन प्लस कियोस्क कहते हैं। इसका मतलब है कि आपका किचन भी खुलेगा, क्लाउड किचन भी खुलेगा और साथ में ही आपका एक कियोस्क भी खुलेगा जो एक तरीके का एक स्ट्रीट फूड जॉइंट होगा। तो वो स्ट्रीट फूड जॉइंट से भी आपको आने वाला बिजनेस अलग रहेगा और आपके क्लाउड किचन से आने वाला जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से अलग रहेगा। तो ये दोनों बिजनेस जो है आप के मैनेज हो सकते हैं क्लाउड किचन प्लस कियोस्क मॉडल। दूसरा तीसरा जो मॉडल है वो है हमारा डाइन इन रेस्टोरेंट मॉडल, जिसमें आपका रेस्टोरेंट भी खुलेगा, लगभग 30 से 35 लोगों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी और साथ में ही आपका उस रेस्टोरेंट से क्लाउड किचन भी जो है वो चलेगा। ये तीन अलग अलग मॉडल है, ये तीन अलग अलग मॉडल्स का इन्वेस्टमेंट अलग है, जगह का रिक्वायरमेंट अलग है, ये सारी चीजें हम लोग जो है आने वाले 20 मिनट में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस तीनों मॉडल के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है और इतना कितना एरिया की आपकी जरूरत आपको पड़ सकती है। तो सिर्फ क्लाउड किचन मॉडल के लिए, जो मैंने अभी पहले बताया कि एग्जैक्टली ये मॉडल होता क्या है, तो उस सिर्फ क्लाउड किचन वाले जो मॉडल के लिए आपको लगभग 300 स्क्वायर फीट, 250 से 300 स्क्वायर फीट जगह लग सकती है और ये 250 से 300 स्क्वायर फीट के एरिया में आप एक आपका अच्छा खासा क्लाउड किचन जो है वो चला सकते हैं, जिसके लिए आपको लगभग 10.5 से 11 लाख रुपए की जो है वो इन्वेस्टमेंट आपकी लग सकती है। इस इन्वेस्टमेंट का बायफर्गेशन आप शायद आपकी स्क्रीन पर अभी जो है वो देख सकते हैं, है ना, ये अलग अलग है, जैसे कि आपकी इक्विपमेंट लगने वाली है, आपकी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है और टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है। तो लगभग इतना इन्वेस्टमेंट जो है आपको लगेगा आपका प्रॉपर्टी छोड़ के, यानी कि आपका जो प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी का रेंट है, डिपॉजिट है, परचेस है, इन सब चीजों को अगर छोड़ दे आप, तो इन सब चीजों को छोड़ने के बाद आपको लगभग 10 से 11 लाख रुपए का, 10.5 से 11 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपका है वो हो जाएगा क्लाउड किचन मॉडल में। दूसरा जो मॉडल आता है जिसको हम क्लाउड किचन प्लस कियोस्क कहते हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया क्लाउड किचन प्लस आपका एक स्ट्रीट फूड जॉइंट भी होगा, उस मॉडल के लिए आपको लगभग 11.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट जो है वो लग सकती है। ओके, तो ये दूसरा मॉडल, पहला मॉडल ओनली क्लाउड किचन जिसके लिए लगभग 10.5 से 11 लाख आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। दूसरा मॉडल जिसके लिए आपको क्लाउड किचन प्लस कियोस्क, यानी कि हम जिसको क्लाउड किचन प्लस एक स्ट्रीट फूड जॉइंट कह रहे हैं, उस मॉडल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट जो है लगभग 11.5-12 लाख की लग सकती है। उस मॉडल के लिए आपको जो एरिया रिक्वायर्ड होगा वो लगभग 300 स्क्वायर फीट का एक स्टोर एरिया रहेगा, यानी कि शॉप एरिया रहेगा और उसके सामने, स्टोर के सामने अगर आपके पास 15 से 20 फीट की जगह है, उस जगह में हम आपके स्ट्रीट फूड जॉइंट्स भी चला सकते हैं। तो ये उसका प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके बाद आते हैं हमारे तीसरे मॉडल पे जिसको हम कहते हैं रेस्टोरेंट मॉडल, जिसमें आपका एक फुल फ्लेज डाइनिंग रेस्टोरेंट खुलेगा। उस डाइनिंग रेस्टोरेंट में आप 30 से 35 लोगों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही में आपकी डाइनिंग व्यवस्था के साथ साथ आपका क्लाउड किचन भी उसी रेस्टोरेंट से चलेगा, जिसके लिए आपको लगभग 600 स्क्वायर फीट की जगह लग सकती है। जिस 500 से 600 स्क्वायर फीट की जगह के लिए आपका इन्वेस्टमेंट जो है प्रॉपर्टी छोड़ के लगभग 15 से 16 लाख रुपए के घर में जो है वो जा सकता है। ओके, तो ये एक आपकी तीन अलग अलग इन्वेस्टमेंट आपकी है तीन अलग अलग मॉडल्स के लिए। तो ये तीनों जो मॉडल हम लोग आज बात कर रहे हैं, इन तीनों मॉडल में मिला के आपका इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया, आपको एरिया कितना लग रहा है ये बता दिया। अभी ये तीनों मॉडल्स आपके काम कैसे करेंगे, तो क्लाउड किचन मॉडल से हम लोग शुरुआत करते हैं समझने की। क्लाउड किचन मॉडल जैसा आपका क्लियर हो जाएगा तो आपके बाकी के भी जो मॉडल्स है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे कुछ पॉइंट्स बताने के बाद। तो क्लाउड किचन मॉडल में हम लोग ने अभी अभी देखा कि कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, कितना एरिया लग रहा है, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में, यानी कि जो 10.5 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी छोड़ के, उस टोटल इन्वेस्टमेंट में आपको एक ब्रांड का फ्रेंचाइजी नहीं मिल रहा। इसका सबसे बड़ा पॉइंट जो है इस प्रपोजल का, इस हमारे इस सारे कंपनी का जो सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि आपको एक ब्रांड का फ्रेंचाइजी नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी नहीं ले रहे,
मात्र 10.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पे 3 अलग अलग ब्रांड का जो है वो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। ये कैसे होगा? हमारे कंपनी के लगभग 14 अलग अलग ब्रांड्स है जो फास्ट फूड इंडस्ट्री से लेके अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो क्लाउड किचन के लिए हम लोग जो है वो फास्ट फूड इंडस्ट्री प्रमोट नहीं करते, क्लाउड किचन के लिए हम लोग जो है वो 3-course meal प्रमोट करते हैं, यानी कि डाइन इन रेस्टोरेंट में जो आपको नॉर्मली मेनू मिलता है, यानी कि आपका स्टार्टर्स हो गया, डेजर्ट हो गया, मेन कोर्स हो गया, ये सारे 3-course meal को हम लोग प्रमोट करते हैं। और उसी की में हमारे लगभग 14 टोटल ब्रांड है हमारे कंपनी के खुद के, और ये सारे 14 में से आप कोई भी 3 ब्रांड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इन 14 में से 3 ब्रांड जब आप सिलेक्ट करते हो तो इन तीनों ब्रांड्स का मिला के आपका इन्वेस्टमेंट इतना आ रहा है। तो जहां पे आप 15-20 लाख रुपए में एक फ्रेंचाइजी नहीं शुरू कर सकते, यहाँ पे आप मात्र 10.5-11 लाख रुपए में 3 अलग अलग फ्रेंचाइजी शुरू करते हैं। इसका फायदा क्या होगा? आपका किचन एक ही होगा, आपका एस्टेब्लिशमेंट एक ही होगा, आपका जो लोकेशन है, आपकी जो क्लाउड किचन है वो एक ही जगह से चलने वाली है, सारा एक ही स्टाफ रहेगा, जो वो आपके पास इनिशियल स्टाफ है वही सारे तीनों फ्रेंचाइजीज के लिए स्टाफ भी वही मैनेज करेगा। एक ही खर्चे में आप मल्टी ब्रांड स्टोर शुरू कर दे, जिसकी तरह इसका मतलब ये है कि जब आप क्लाउड किचन पे स्विगी, जोमैटो, मैजिक पिन, इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करते हैं, इन सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो मिलता है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको जो विजिबिलिटी मिलेगा वो 3 अलग अलग ब्रांड का मिलेगा। ये तीनों अलग अलग ब्रांड्स जो है वो अलग अलग फूड टाइप में हो सकते हैं, वेरियस फूड टाइप्स में हो सकते हैं, जैसे कि एक अगर है, एक आप पंजाबी फूड का ब्रांड ले सकते हैं, एक सी फूड ले सकते हैं, एक हमारा लखनवी क्यूजीन ले सकते हैं, चाहे आप साउथ इंडियन क्यूजीन ले सकते हैं, अलग अलग क्यूजीन टाइप में हमारे अलग अलग ब्रांड्स हैं। और ये सारे ब्रांड्स जो है आप आराम से आपके पास जो है उनमें से कोई भी 3 ब्रांड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और बड़े ही आराम से आप ये तीनों ब्रांड एक ही किचन से जो है वो शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों ब्रांड चलाने के, एक ही किचन से चल रहा है, खर्चा सारा एक ही हो रहा है, लेकिन आपको जो प्रॉफिट है वो 3 गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये तीनों ब्रांड आपके स्विगी पे रजिस्टर्ड होंगे, तीनों जोमैटो पे रजिस्टर्ड होंगे, तीनों आपके मैजिक पिन पे रजिस्टर्ड होंगे, और सारे जगह पे आपके 5-6 प्लेटफॉर्म पे जब ये तीनों ब्रांड रजिस्टर्ड है, जहां पे एक ब्रांड के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म पे 15-20 ऑर्डर आएगी। समझ लीजिए, अगर किसी ने एक लोकल रेस्टोरेंट खोल दिया और उस लोकल रेस्टोरेंट में आपको स्विगी पे अगर 4-5 ऑर्डर दिन भर में मिल रही है, तो वही स्विगी पे जब लोकल किसी रेस्टोरेंट को 5-6 ऑर्डर मिलेगी, वही आपके हमारे रेस्टोरेंट को जब आप हमारे थ्रू फ्रेंचाइजीज लेंगे, हमारे थ्रू ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको कम से कम 15-20 ऑर्डर्स मिलेगी। वो इसलिए मिलती है क्योंकि हम स्विगी, जोमैटो, मैजिक पिन के साथ लगभग 150 लोकेशन पे टाइट अप है, और हमारे MOUs है जिसके तहत हमें कुछ स्पेशल विजिबिलिटी मिलती है, कुछ स्पेशल मिनिमम ऑर्डर की गारंटी मिलती है। ये सारी चीजों की वजह से जहाँ पे आप एक रेगुलर रेस्टोरेंट 5-6 ऑर्डर लेगा दिन भर में एक ब्रांड का, वही हमारा रेस्टोरेंट 15-20 ऑर्डर लेगा एक ब्रांड का एक प्लेटफॉर्म। ऐसे 3 ब्रांड आपके पास होंगे, तो मान के चलते हैं कि अगर स्विगी में 3 ब्रांड है तो 15-20 ऑर्डर अगर एक ब्रांड के लिए आपको आ रही है, तो लगभग आपको 50-60 3 ब्रांड का मिला के ऑर्डर आ रहा है। अगर 60 ऑर्डर आपको 3 ब्रांड का मिला के आ रहा है, तो आपके पास ऐसे कम से कम 5-6 प्लेटफॉर्म्स हैं, स्विगी, जोमैटो, मैजिक पिन, शॉडोफ्लेक्स वगैरह बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म पे मिला के अगर आपको दिन भर में 300 ऑर्डर्स भी आती है, तो 300 ऑर्डर्स का आपका जो पे आउट होगा वो कितना होगा? 300 ऑर्डर्स का पे आउट, अगर एक ऑर्डर का वैल्यू लगभग 400-500 रुपए के आसपास भी अगर आप पकड़ते हैं, तो भी आपका पे आउट काफी ज्यादा हो जाता है। अभी ये 400-500 रुपए का ऑर्डर वैल्यू कैसे होगा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे 3-course meal की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे फास्ट फूड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बर्गर पिज्जा की बात नहीं कर रहे जिनका कॉस्टिंग काफी कम होता है, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सारे 3-course meal की बात कर रहे हैं। वो 3-course meal की बात कर रहे हैं जो 3-course meal आपको अक्सर अलग अलग कीमतें पे मिलता है, जैसे कि अगर आपको एक सब्जी भी ऑर्डर करनी है या फिर कोई टिक्का भी ऑर्डर करना है, तो नॉर्मली आपका प्राइस 2 लोगों के लिए भी 300-400 रुपए के आसपास हो जाता है। अगर आप 4 लोगों के लिए खाना ऑर्डर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप 500-600 रुपए के ऊपर का फूड ऑर्डर कर रहे हैं एक ऑर्डर में। अगर आपकी 500 रुपए की एक ऑर्डर एवरेज बन रही है, तो 300 ऑर्डर का वैल्यू आपका कितना बनेगा, ये खुद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे चलो 300 ऑर्डर भी नहीं पकड़ते, एक मिनिमम ऑर्डर भी अगर हम पकड़ के चलते हैं, 300 ना पकड़े, 200 ना पकड़े, अगर 100 ऑर्डर भी सिर्फ लेके पकड़ चलते हैं, 100 ऑर्डर तीनों ब्रांड का मिला के, सारे प्लेटफॉर्म का मिला के अगर मैं सिर्फ 100 ऑर्डर भी पकड़ता हूँ, तो भी 500 रुपए के हिसाब से मैं लगभग 50,000 रुपए का बिजनेस कर रहा हूँ एक दिन का। अगर मैं एक दिन का बिजनेस 50,000 रुपए कर रहा हूँ, तो मेरा महीने का बिजनेस हो रहा है लगभग 15 लाख रुपए का, राइट?
अभी इस 15 लाख को भी छोड़ दो, 15 लाख भी नहीं पकड़ेंगे, 12 भी नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ 10 लाख पकड़ते। अगर मुझे 10 लाख रुपए का भी महीने का बिजनेस मिल रहा है तो अभी मेरा प्रॉफिटेबिलिटी कैसे वर्कआउट होगा? 10 लाख रुपए के बिजनेस के ऊपर अभी हमने ये देखना है कि आपका मार्जिन कितना है। तो आपका जो मार्जिन है वो है मिनिमम 75%, यानी कि जो हमारे फ्रेंचाइजीज है उनका ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि उनका ग्रॉस मार्जिन लगभग 75% है। तो 75% का ग्रॉस मार्जिन यानी कि क्या हो गया? अगर इस स्टेटमेंट को मैं कॉन्वर्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा 75% अगर मार्जिन है तो मेरा फूड कॉस्ट जो है वो 25% है। ओके, 25% का अगर मेरा फूड कॉस्ट है, सिर्फ 25% का अगर मेरा फूड कॉस्ट है, तो उसका मतलब है कि 10 लाख रुपए के टोटल बिजनेस के ऊपर मेरा 2.5 लाख रुपए का जो है वो फूड निकल गया। मेरे पास बचता है 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए का आपका टोटल फूड है, आपके पास टोटल आपके पास बचा हुआ है ग्रॉस। अभी उसके बाद आपके आता है आपका बाकी खर्चा, जिसमें आपका स्टाफ का सैलरी है, आपका रॉ मटेरियल का तो हमने निकाल दिया, साथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपकी प्रॉपर्टी का रेंट है। तो लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आपका जो होगा वो सैलरी जाएगा। तो 7.5 लाख रुपए आपके पास बचे थे, उसमें से 1 लाख रुपए आपके वापस निकल जाएंगे, 6.5 बच जाएंगे आपका सैलरी जाने के बाद। उसके बाद आपका 20,000 से 25,000 रुपए का रेंट जाएगा, 10,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा, फिर बाकी कुछ रैंडम एक्सपेंसेस है जैसे इंटरनेट का बिल है और कुछ छोटी मोटी चीजें लगती है। ये सारा खर्चा जाने के बाद भी आप लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए नेट बचा रहे हो आपके टोटल, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसके ऊपर, आपके टोटल बिजनेस के ऊपर। अगर आपने 10 लाख रुपए का टोटल बिजनेस किया है तो लगभग 5.5 से 6 लाख रुपए ये आपका नेट प्रॉफिट है आफ्टर स्पेंडिंग ऑल योर एक्सपेंसेस। ओके, आपने क्या क्या किया है? आपने 25% आपका फूड में चला गया, लगभग 1 लाख रुपए आपका सैलरी में चला गया, उसके बाद आपका रेंट, प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारा जाना खर्चा जाने के बाद लगभग 55-60% आप नेट प्रॉफिट में बचा रहे हो, एंड दिस इज हाउ यू मेक योर प्रॉफिट। 10 लाख रुपए के टोटल बिजनेस पे अगर आप 5.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट बचा रहे हो तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। आपने 11 से 12 लाख रुपए का टोटल अगर इन्वेस्टमेंट भी किया है, सिर्फ क्लाउड किचन की अगर बात करते हैं, तो भी बहुत ही जल्दी आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। आरओआई का जो हमारा एनुअल पर एनम आपका हमारा जो है आरओआई 200% से भी ज्यादा कैलकुलेट होता है, इसी कारणवश, यही बिजनेस की वजह। अभी ये तो हो गया सिर्फ क्लाउड किचन मॉडल, लेकिन अगर क्लाउड किचन मॉडल के साथ साथ अगर आपने क्लाउड किचन प्लस स्ट्रीट फूड ज्वाइंट, यानी कि हमारा क्लाउड किचन प्लस कियोस्क मॉडल जो है उसका अगर आपने फ्रेंचाइजी लिया है, तो उस केस में आपका क्लाउड किचन का जो बिजनेस है वो तो अलग ही रहेगा, लेकिन साथ में ही आपका कियोस्क से आने वाला जो रोज का बिजनेस है वो और भी ज्यादा हो जाएगा, वो पूरा ही डिफरेंट रहेगा। अभी अगर मैं ये कहूँ कि आप कियोस्क से मेरा मतलब, या फिर स्ट्रीट फूड ज्वाइंट से मेरा मतलब ये है कि आपको अक्सर आज शहरों में खाऊगली वगैरह जैसे माहौल दिखते हैं, और अगर आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट से ज्यादा ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, और हमारे इस मॉडल का मकसद ही ये है क्योंकि ये जो अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है खाऊगली की या फिर स्ट्रीट फूड की, हम इसी ही एक बेहतर ब्रांड विजिबिलिटी में, या फिर यूं कहें कि इसे बेहतर तरीके से हम लोग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रिप्लेस करना चाहते हैं, और यही चीज को आगे लेके हमने इस मॉडल को लाया हुआ है। और ये मॉडल रिवॉल्यूशनरी इसलिए क्योंकि इंडिया में जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो ज्यादातर आज स्ट्रीट फूड से आ रहा है, मास ऑडियंस स्ट्रीट फूड पे है, और उस इंडस्ट्री को अगर हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये रिवोल्यूशनराइज हो जाएगा, और उसी चीज के लिए हम लोग इस मॉडल को लेके आए। और इसमें आपका क्लाउड किचन का जो बिजनेस है वो तो अलग चलता ही रहेगा, साथ ही में आप क्लाउड किचन के साथ साथ आपका स्ट्रीट फूड बिजनेस भी सही से कर सकते हैं। 20-25 हजार रुपए का बिजनेस आपका दिन भर में वहां पे होने में कोई समय नहीं लगता। अगर आपको लगता है कि मेरे फिगर्स कुछ एग्जैजरेट कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आपके एरिया में, आपके सिटी में, चाहे आप बड़े शहर में या छोटे शहर में, आप सिर्फ 2 घंटे के लिए आपके यहाँ पे जो अच्छे स्ट्रीट फूड्स है उस लोकेशन में जाके आप बैठिए, आप देखिए कि वो कितना बिजनेस कर रहे हैं। 2 घंटा सिर्फ जाके वहां पे बैठे, आपको समझ में आएगा कि आपके सामने खड़ा खड़ा कितने रुपए का बिजनेस वो कर रहा है, और उसके बाद आप मुझे बताइए कि मेरे फिगर्स एग्जैजरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सारी इंडस्ट्री का एक तरीके से स्प्रिंटली ऐसा है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है। अगर आप 10-20 हजार रुपए का भी बिजनेस, 10 हजार का ही पकड़ लीजिए, अगर आप 10 हजार रुपए का भी बिजनेस स्ट्रीट फूड से कर रहे हैं तो बोनस है, क्योंकि स्टाफ आपका वही है, आपका लोकेशन वही है,
आपको रेंट एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा है, आपके क्लाउड किचन के सामने ही आप आपका स्ट्रीट फूड जॉइंट चला रहे हो, उसकी वजह से आपको उसी एक्सपेंसेस में ये बोनस बिजनेस मिल रहा है। लगभग 2-3 लाख रुपए का भी अगर आपका महीने का बिजनेस वहां से आ रहा है तो आपका सारा मेंटेनेंस वहीं से निकल जाता है, और जो आपका क्लाउड किचन का बिजनेस है ये आपका कंप्लीट प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये हमारे मॉडल्स जो है वो बहुत काम करते हैं। तो ये हो गया आपके फाइनेंसेस और आरओआई के बारे में। आगे जानते हैं कि स्टाफ, हमारा रॉ मटेरियल का सप्लाई और बाकी चीजें कैसे मैनेज होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टाफ का क्या होगा। सारा स्टाफ जो है वो कंपनी की तरफ से आपको भेजा जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपके फाइनेंसेस स्टाफ का सैलरी कैसे मैनेज होता है, लेकिन ये सारी स्टाफ को भेजने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा के लिए कंपनी का होता है। हमारा कंपनी आपके लिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी जो किल्लत है वो स्टाफ की होती है, सबसे बड़ी समस्या जो होती है ये स्टाफ की होती है, और उसी वजह से ये रोल आपको प्ले नहीं करना पड़ता। ये आपका हैसल नहीं होता, ये सारा हैसल कंपनी का होता है। ये सारा स्टाफ कंपनी की तरफ से ट्रेंड आपको भेजा जाता है। ऐसा भी नहीं है कि स्टाफ को भेजेंगे फिर ट्रेनिंग देंगे, नहीं, आपके पास जो स्टाफ आएगा एटलीस्ट 10 साल के एक्सपीरियंस वाला ट्रेंड स्टाफ आपके पास जो है वो आएगा। तो ये स्टाफ आपके पास रहेगा, और ये स्टाफ जब कभी छोड़ के भी जाना है, क्योंकि 6-7 महीने बाद ये अपने घर जाएंगे आपके, क्योंकि बाहर से होते हैं तो 1-2 महीने के लिए घर भी जाते हैं, ऐसे समय पे ये स्टाफ का रिप्लेसमेंट भी कंपनी की तरफ से ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको उसका भी हैसल करने की जरूरत नहीं है, इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो भी सारा कंपनी ही लुकआउट करेगी। तो ये हो गया आपके स्टाफ के बारे में। उसके बाद आता है सर आपका मार्केटिंग, जो एक मार्केटिंग से भी पहले थोड़ा सा रॉ मटेरियल के बारे में जानते हैं, सप्लाई आपके सोर्सिंग के बारे में। सारा सोर्सिंग भी कंपनी की तरफ से मैनेज होता है, सारे चीजों का डिलीवरी आपको आपके घर पे आता है, सारी होम डिलीवरीज आपको मिलती है, आपके घर पे सारी चीजें आपकी डिलीवर होती है, और ये सारी डिलीवरीज आपको जब मिलती है तो आपको किसी चीज के लिए बाहर जाने, यानी इवन आपको आपके वेजिटेबल्स के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं होती, ये भी सारी चीजें आपको आपके घर पे डिलीवर। तो इस तरीके से आपकी सारी सोर्सिंग जो है वो सप्लाई मैनेज की जाती है। उसके बाद सारा मार्केटिंग, ये कंपनी का जिम्मेदारी होता है मार्केटिंग। अभी देखिए कैसा है, मार्केटिंग एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है किसी भी इंडस्ट्री का। अगर चाहे मैं आपका आप क्लाउड किचन की बात करूं, या फिर आपके जो हम लोग हमारा कियोस्क मॉडल की बात कर रहे हैं, चाहे किसी की भी बात, मार्केटिंग बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है। और इसी मार्केटिंग के लिए हमने ये देखना है कि इस मार्केटिंग में हम लोग लोकल मार्केटिंग के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे कि आपका सेंट्रलाइज मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो वो तो हर कोई कर रहा है। डिजिटल मार्केटिंग लगभग हर कंपनीज करेगी, हर रेस्टोरेंट करेगा, उसका फायदा जितना मिलना चाहिए आज के समय पे उतना मिलेगा ही नहीं मिलेगा, ये मैं नहीं बोल पाता सर। सबसे ज्यादा जरूरी ये है किचन के लिए, या फिर आपके क्लाउड किचन के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि कस्टमर आपके क्लाउड किचन पे सीधा नहीं आ सकता, डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि होम डिलीवरी मॉडल है, होम डिलीवरी मॉडल है, तो आपको कस्टमर के घर पे जाके आपका फूड आपको उन्हें टेस्ट कराना पड़ेगा, तभी जाके मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है वो स्पॉट ऑन होगी, हिट होगी। और उसी के लिए हम कुछ मार्केटिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो सारे मार्केटिंग इवेंट्स होते हैं ये हर फ्रेंचाइजीज के लिए डेडिकेटेडली किए जाते हैं। कैसे मार्केटिंग इवेंट्स होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्पेसिफिक एरिया में, अगर आपका फ्रेंचाइजी है, मान चले किसी भी शहर में, आपके एरिया में जहाँ पे आपका क्लाउड किचन है उसके विसिनिटी में आजू बाजू में बहुत सी कॉलोनीज होती है, बंगलोज की, घरों की कॉलोनीज होती है, बहुत बार आपके यहाँ पे कुछ हाउसिंग सोसाइटीज होती है जहाँ पे 200-250 अपार्टमेंट्स फ्लैट्स आपके वहां पे होते हैं। तो ऐसे लोकेशन पे, ऐसे जगह पे हम लोग क्या करेंगे, आपके ब्रांड्स के लिए, आपके क्लाउड किचन के कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज। ये इवेंट्स क्या होते हैं, हर बार ये इवेंट अलग टाइप का हो सकता है। कभी ये इवेंट होगा कि आपका अगर कभी कोई इंडिया पाकिस्तान का कोई इंपॉर्टेंट मैच है तो हम किसी कॉलोनीज के कॉमन ग्राउंड में या फिर किसी सोसाइटीज के कॉमन एरियाज में कुछ लाइव स्क्रीनिंग कर देंगे मैच का। सारे लोग नीचे आएंगे, बच्चों को खेलने के लिए ट्रैम्पोलिन वगैरह जैसी चीजें डाली जाएगी। सारा इवेंट जो है वो स्टाफ के लिए फ्री होता है, सारा इवेंट के लिए होता है, लेकिन ये कस्टमर्स को इवेंट का किसी को चार्जेस नहीं देना पड़ता, लेकिन जो हमारा फूड स्टॉल वहां पे उस इवेंट में लगते हैं वो चार्जेबल होता है। और उससे फायदा ये होता है कि हम लोगों के घर में जाके हमारा प्रोडक्ट टेस्ट करा, साथ में ही उस इवेंट के थ्रू आने वाले हर लोगों को हम लोग हमारे ब्रांड्स के कैलेंडर्स और डायरीज डिस्ट्रीब्यूट करें, और ये सारे कैलेंडर्स और डायरीज में हमारे ब्रांड की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कम्प्लीटली वहां पे रहेगी। वो सारी इन्फॉर्मेशन वहां रहने की वजह से फायदा ये होगा कि जब भी किसी को ऑर्डर करना है तो उसको अभी हमारे फूड का क्वालिटी पता है, क्योंकि उसने हमारे इवेंट में टेस्ट कर रखा है फूड,
उसे अभी हमारा रेट पता है, सारी चीजें उसे पता है, उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑर्डर हमें देगा, और उसके उस वजह से वो कैलेंडर पे जो QR कोड रहता है वो हमारे खुद की वेबसाइट का रहता है, वो स्कैन करके सीधा वो फूड ऑर्डर कर सकते हैं। और उसका जो फायदा होता है ये बहुत ही अलग लेवल का होता है। हर बार तो कोई क्रिकेट मैच नहीं होगा, तो कभी लाइव ऑर्केस्ट्रा अरेंज किया जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको और कोई चीजें अरेंज करनी पड़ती है, कभी आपको गेम्स, कपल गेम्स, फैमिली गेम्स, बच्चों के लिए कुछ चीजें, ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। साल में एक फ्रेंचाइजी के लगभग 25 से 30 ऐसे इवेंट्स अलग अलग ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जिस इवेंट्स के तहत आपको जो ये बिजनेस का फायदा ज्यादा से ज्यादा मिलता है। अगर मैं एक सोसाइटी 200-250 फ्लैट का अगर एक सोसाइटी है वहां पे मैंने अगर इस इवेंट को किया है, तो एक सोसाइटी में एक नॉर्मल साइज के शहर में नॉर्मली अगर 250 फ्लैट का सोसाइटी है तो 40-50 ऑर्डर बड़े ही आसानी से आ जाता है। उन 40-50 में से मैं मेरे ब्रांड के लिए सिर्फ 5 ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो भी इवेंट करने के बाद, उस सोसाइटी में हमारा इवेंट करने के बाद अगर मुझे उससे सिर्फ 5 ऑर्डर भी मिल रही है, तो साल भर में मैं ऐसे लगभग 30 अलग अलग लोकेशन पे इवेंट करने वाला हूँ, और अगर ऐसे 30 इवेंट में से हर इवेंट से मैं सिर्फ रोज का 5 ऑर्डर ले रहा हूँ, तो मैं लगभग रोज का 125-150 ऑर्डर सिर्फ इस इवेंट की बदौलत दे रहा हूँ। और 150 ऑर्डर अगर मुझे इस इवेंट की बदौलत मिल रहा है, एक ऑर्डर का वैल्यू 400-500 रुपए का भी है, तो उसका बिजनेस कितना हो रहा है ये आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट करें। तो क्लाउड किचन का बाकी यहाँ से आने वाला बिजनेस तो अलग ही है, स्विगी जोमैटो से आने वाला अलग ही है, और हमारे इस लोकल मार्केटिंग के कारण जो हमें बिजनेस मिल रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इस तरीके से आपका मार्केटिंग जो है कैंपेन पूरी तरीके से कंपनी की तरफ से मैनेज किया जाता है, और ये सारे इवेंट, इसके सारे ऑपरेशंस और मैनेजमेंट कंपनी करती है, इसमें आपका किसी तरीके का भी मैनेजमेंटल रोल नहीं रहता, तो इसके लिए आपको ये भी हैजल आपको नहीं है, ये सारा कंपनी करती है। आपके रेस्टोरेंट से सिर्फ वहां पे जाके लगना है स्टॉल्स, जो फूड स्टॉल्स हम उस इवेंट में लगा रहे, तो इस तरीके से आपके ओवरऑल बिजनेस को मैनेज किया जाता है। लगभग सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि आपका स्टाफ कैसे रहेगा, स्टाफ सोर्सिंग कैसा होगा, सप्लाई कैसे होगा, मार्केटिंग कैसे होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनेगा, लगभग सभी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो इसके बाद आपके जो भी कोई क्वेश्चन है, अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो हम उसके ऊपर जा सकते हैं। तो अशोक जी, आई थिंक वी कैन नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेशन ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर।